मानभूम केसरी अतुल चंद्र घोष, मानभूम जननी लावण्या प्रभा घोष की इस कर्म भूमि को मेरा शत शत प्रणाम। ये धरती भगवान राम और मां सीता के वनवास की भी साक्षी रही है। कहते हैं कि वनवास के दौरान जब मां सीता को प्यास लगी थी तो राम जी ने जमीन पर बाण मारकर पानी की धारा निकाल दी थी। सोचिए तब पुरुलिया में भूजल की क्या स्थिति रही होगी। और ये विडंबना है, यहाँ के किसानों को, मेरे आदिवासी वनवासी भाई बहनों को इतना पानी भी नहीं मिलता कि वो सही से खेती कर सके। पहले वामपंथियों की सरकार और फिर टीएमसी सरकार ने यहाँ पर उद्योग धंधे पनपने नहीं दिए, खेती किसानी को अपने हाल पर छोड़कर टीएमसी सरकार सिर्फ अपने खेल में ही लगी रही। मां माटी, मानुष की बात करने वाली दीदी को अगर दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, वनवासियों के प्रति ममता होती तो वो ऐसा कभी नहीं करती। यहां तो दीदी की निर्मम सरकार ने माओवादियों की एक नई नस्ल बना दी है जो टीएमसी के माध्यम से गरीबों का पैसा लूटती है, गरीबों के हकों को लूटती है। पूरा बंगाल जानता है कोयला माफिया, बालू माफिया, इन लोगों को किसका संरक्षण मिला हुआ है। और इसलिए आज बंगाल की जनता कह रही है, एक एक बंगाली कह रहा है, अत्याचार अनेक करे छो दीदी, भय देखानो तुम्हार अस्त्र, रुखे दाणा बेबार। বাংলার মানুষ মা দুর্গার আশীর্বাদে করবে তোমায় পরাস্ত। পশ্চিম বঙ্গাল মে টিএমসি কে দিন আব গিনতি কেই রে গে আর ইয়ে বাত মমতা দিদি ভি অচ্ছি তরহ সমঝ রহি হে আর ইসলিয়ে ও কে রহি হে খেলা হো ओ दीदी, बांग्लार भाई बने देर चिंतार खेला आपने दो बछर खेले छे, खेला शेष होवे, विकास आरंभ होवे। दीदी आप ये सब करते रहिए, हर तरह से खेलते रहिए, लेकिन ये मत भूलिए कि बंगाल की जनता की याददाश्त बहुत तेज होती है। बंगाल की जनता को याद है कि गाड़ी से उतरकर आपने कितने लोगों को डांटा फटकारा। बंगाल की जनता को याद है जब आपने देश की सेना पर तख्ता पलट की कोशिश का आरोप लगाया, जब पुलवामा हमला हुआ तो आप किसके साथ खड़ी थी, ये भी बंगाल के लोग भूले नहीं। इसलिए बंगाल के लोग बहुत पहले से कह रहे हैं, लोकसभा में टीएमसी हाफ और इस बार पूरी साफ। पश्चिम बंगाल में दीदी सरकार की दुर्नीति है टीएमसी यानी ट्रांसफर माय कमीशन,
हम डीबीटी वाले हैं, जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात करते हैं, वो टीएमसी ट्रांसफर माइक कमीशन में ही डूबे हुए। दीदी दीदी चांद चोरी खेला चलते थक, हमारा चाहिए खेला शेष हो। और इसलिए आज पुरुलिया के लोगों का, जगल महल का, बंगाल का, दीदी को संदेश साफ है, चूरी खेला छोल बेना, छोल बेना चूरी।